डॉक्टर, मेरे मुंह से ना बैड स्मेल आती है, इसलिए मुझे बहुत एम्बेरसिंग भी लगता है, इसलिए मैं तो लहसुन भी नहीं खाती। तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वेल दैट्स अ वैलिड पॉइंट. तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज डॉक्टर शैला शर्मा और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे मुंह से जो बैड स्मेल आती है वो क्यों आती है और उसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए. अलोंग विद दैट, अगर इसका इलाज हो सकता है तो वो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो रहते हैं. तो इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जब भी हमारे मुंह से जो स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, इस कंडीशन को हम हैलिटोसिस कहते हैं. अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक है जब भी हम अच्छे से दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो जिसके वजह से दांतों में फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसके वजह से वो वहीं पे डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, डिके होना शुरू हो जाते हैं और वहां से आपको बदबू आने लग जाते हैं. अब इसका स्पेशली एक जो कारण होता है वो होता है पीछे के दांतों में कैविटीज होना. जैसे आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे होंगे, दो दांतों के बीच में जब कैविटीज हो जाती हैं, वहां पे कई बार खाना फंस जाता है और ब्रश से कई बार निकल नहीं पाता है और जिसकी वजह से स्मेल होने लगती है. इनफैक्ट मान लेते हैं कि अगर आप ब्रश सही समय पे कर रहे हैं पर अगर आप ब्रश करने का सही तरीका नहीं अपना रहे हैं तो उस कंडीशन में फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं दांतों के ऊपर और दांतों के ऊपर प्लाक बननी शुरू हो जाती है. अब वही प्लाक अगर कुछ समय बाद क्लीन ना हो तो ऐसी कंडीशन में वो कैलकुलस में बदल जाते हैं, एक स्ट्रोंग हार्ड लेयर, व्हाइट कलर की लेयर दांतों के ऊपर बन जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि वो दांतों की ही संरचना है या फिर वो दांतों के ऊपर अलग से एक लेयर आ गई है. ऐसी कंडीशन में आपको दांतों की टाइम टू टाइम डेंटल क्लीनिंग जरूर करानी चाहिए ताकि वो जो कैलकुलस है उसमें जो बैक्टीरिया है वो सभी निकल जाए जो बदबू को कोज करते हैं, यानी कि बदबू का कारण है. अलोंग विद दैट, ड्राई माउथ की जब भी कंडीशन होती है, मुंह सूखा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में दांतों की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, हमारी ओरल कैविटी की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी कई बार स्मेल आने लगती है. या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से भी कई बार स्मेल होने लग जाते हैं. या फिर अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है तो उसकी वजह से कई बार एसिड जो है वो रिफ्लक्स हो जाता है हमारी ओरल कैविटी में या फिर स्मेल आपके मुंह से आने लगते हैं. इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि आपके मुंह से बैड स्मेल आए. या फिर अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं, कोई आपको मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप दवाइयां ऐसे लेते हैं, उसकी वजह से भी कई बार मुंह से स्मेल आने लग जाती है. अलोंग विद दैट, प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है, डायबिटिक पेशेंट्स में जनरली ये प्रॉब्लम जो मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम है वो सुनी जाती है. तो ये सभी कारणों की लिस्ट है जिनकी वजह से स्मेल हो सकती है. अगर हम ये देखें कि इसको पहचाने कैसे, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मुंह के ऊपर ऐसे कवर कर सकते हैं और उस पर आप फिर ब्लो कीजिए, जिससे फूंक मारना कहते हैं. उसके बाद जब आप इसको स्मेल करेंगे तो आपकी को हल्की सी स्मेल फील होती है, जिससे आप ये एग्जैक्टली पता कर पाते हैं कि ओरल कैविटी से स्मेल आती है. ठीक है, तो अभी हमने रीजंस के बारे में पता कर लिया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं. अभी शुरू करते हैं कि हम इनको इनसे बच कैसे सकते हैं, प्लस अगर स्मेल आती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे ओरल कैविटी से स्मेल आती है तो ऐसी कंडीशन में हम घर पे क्या क्या घरेलू नुस्खे, यानी कि होम रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हम यूज कर सकते हैं एक लेमन, यानी कि नींबू का एक आप छोटा सा पीस ले सकते हैं. उस लेमन की स्लाइस को कुछ समय के लिए ओरल कैविटी में रख सकते हैं ताकि वो स्मेल जो है वो कॉम्पनसेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. अलोंग विद दैट, आप पानी के अंदर नींबू डाल के उसके गार्गल भी कर सकते हैं, कोल्ला भी कर सकते हैं, या फिर दालचीनी या फिर मुलैठी या फिर तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल के आप उससे भी कोल्ला कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं ताकि उससे आपकी जो स्मेल है
वो कॉम्पनसेट हो जाते हैं, प्लस आपका जो ओरल एनवायरमेंट रहता है वो सही रहता है। या फिर आप अजवाइन या फिर सौंफ को भी चबा सकते हैं, जिससे आपके जो स्मेल की प्रॉब्लम है वो कॉम्पनसेट हो जाती है। अब अगर हम माउथवॉश की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे माउथवॉश आते हैं जो आपके ओरल फ्रेग्रेंस के लिए ही आते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमनली रहते हैं हेक्सेडिन आप लेके आ सकते हैं, या फिर कोलगेट फ्रेश माउथवॉश आता है, या फिर लिस्ट्रीन माउथवॉश आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके मुंह में ड्राई माउथ की कंडीशन रहती है, यानी कि सलाइवा कम बनता है, लार कम बनता है, तो ऐसे कंडीशन में आप शुगर फ्री जो च्युइंग गम होते हैं उनको चबा सकते हैं, ठीक है, या फिर मिंट फ्लेवर की जो च्युइंग गम्स होती हैं उनको भी आप चबा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी लार ग्रंथियों की यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है और वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लार दोबारा से बननी शुरू हो जाते हैं। प्लस अगर मिंट फ्लेवर रहता है तो उससे आपके जो स्मेल है वो भी कॉम्पनसेट हो जाती है। और लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आप काम कर सकते हैं वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जी हाँ, जितना आप ज़्यादा पानी पीते हैं उतनी आपकी जो ओरल कैविटी है वो क्लीन होती जाती है, फ्लश होती जाती है। और हाँ, पानी कभी भी आपको ऊपर से नहीं पीना होता है, हमेशा ग्लास के मुंह लगा के प्रॉपरली पानी पीजिए, ताकि जो पानी है वो आपके दांतों की सभी सतहों पे, आपके मुंह के अंदर जितने भी सरफेसेस हैं, स्किन है, म्यूकोजा है, उन सभी सतहों से पानी होकर के गुजरे, ताकि मुंह की भी अच्छे से साफ सफाई रहे। अभी यहाँ पे एक बात ये है कि अगर आपको बहुत लंबे समय से जो स्मेल की प्रॉब्लम है वो होती है, या फिर जो ये होम रेमेडीज मैंने बताए हैं ये कुछ हद तक टेम्परेरी होती है, यानी कि अगर रीज़न कुछ एक परमानेंट है, फॉर एग्जांपल अगर दांतों के ऊपर प्लाक है, कैलकुलस है, पायरिया की कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में आपको दांतों का प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अगर स्मेल के जो रीजंस है उनका ट्रीटमेंट हो सकता है तो क्या क्या डेंटल इलाज आप करा सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था कि दांतों की क्लीनिंग नहीं है, तो आप दांतों की डेंटल क्लीनिंग करा के आए, जिसकी कॉस्ट जनरली 1000 या फिर 1500 या फिर 1800 के आसपास रहती है। वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में क्लिनिक है और डेंटिस्ट कितने एक्सपीरियंस है, इन सभी के चलते सभी क्लिनिक्स पे क्लीनिंग के चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। तो क्लीनिंग करने से जो भी प्लाक होगी, कैलकुलस होगी, उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो सभी रिमूव हो जाते हैं। और हाँ, जब भी अगर आपके दांतों में अंदर की तरफ कैविटी है, उसमें खाना फंसता है, तो उसका भी आपको इलाज कराना चाहिए। उसके लिए आप दांतों की फिलिंग करा सकते हैं, रेस्टोरेशन करा सकते हैं। इसकी कॉस्ट जनरली 800 से लेके 1000 तक रहती है एक दांत के लिए। ऑलराइट, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अलोंग विद दैट, मेरे जितने भी लिंक्स हैं वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से मुझे बेझिझक होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप नीचे लाइक जरूर कीजिए। अलोंग विद दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।